तो जी, वैंकूवर में ऑफिशियली आज पहला दिन है और आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि कौन आ रहा है। तो आज से जो है गेस्ट चेंज हो रहे हैं व्लॉग के, बाऊजी जो हैं वो व्लॉगिंग करेंगे सनी से और आपसे करवाऊंगा इस बार मैं, क्योंकि मैं बन रहा हूँ कैमरा पर्सन, ठीक है ना। थोड़े सिनेमेटिक शॉट लेने पड़ेंगे भी, निखिल की एब्सेंस है तो इसीलिए कैमरा मैन का रोल हम अदा करेंगे बाकी अब। मगर क्योंकि उनके साथ घूमने मोटर होम में हर जगह वैंकूवर डाउन टाउन वगैरह में जाना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए हमने विचार ये बनाया कि हम सारे हैं तो इसलिए एक गाड़ी रेंट कर लेते हैं। तो माता जी फिर आज जरा गाड़ी रेंट करने जाना पड़ेगा, चलो चलेंगे फिर उसके बाद उनको ले आएंगे एयरपोर्ट। हाँ, एयरपोर्ट से उनको पिक करके, और गाड़ी रेंट करने वाली जगह भी मैंने बिल्कुल ही नेड़े ढूंढी है, तो क्योंकि एयरपोर्ट से अगर लेते, पहले मैंने सोचा था कि उनको बोलूं तुम एयरपोर्ट से गाड़ी उठाते हुए लाओ, फिर मैंने कहा मजा नहीं आएगा, हम खुद लेने जाते हैं, इतना टाइम हो गया, तो हम गाड़ी यहीं से उठा के फिर उनको लेने जा रहे हैं, और जो एयरपोर्ट का एक्स्ट्रा सरचार्ज होता है फिर वो भी नहीं लगा हमारा, इससे थोड़ी सस्ती भी पड़ गई है। बाकी डिटेल्स गाड़ी वगैरह की और इनसे मिलना जुलना आज की वीडियो अब शुरू करते हैं। और ये जो जी एरिया है ये है वैंकूवर नॉर्थ का, और ब्रिटिश कोलंबिया में कोविड के बारे में तो सिचुएशन ऐसी है कि वन ऑफ द बेस्ट जैसे कहते हैं परफॉर्मेंस अगर किसी स्टेट ने दी है यहाँ पे कोविड को शुरू से ही रोक के रखने में तो वो ब्रिटिश कोलंबिया ही है। यहाँ पे कोविड बहुत कम है, यहाँ पे ये रूल भी नहीं है कि आप किसी जगह के अंदर जाएंगे तो आपको मास्क पहन के जाना है बाय गवर्नमेंट, बट फिर भी मैंने पहन लिया। मगर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे जैसे शॉपिंग मॉल हो गए उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है, तो इसीलिए। और वॉक भी मेरे कैंप ग्राउंड से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की थी, मैं सोचा चल के ही चला जाता हूँ, आजकल एटलीस्ट ऊबर टैक्सी लेने वाला टाइम तो नहीं है, नो मैटर केसेस कितने भी कम क्यों ना हो, तो इसीलिए बस क्रॉस करते हुए सामने आ गए जहाँ से मैंने गाड़ी रेंट करी है। एंटरप्राइज रेंट अ कार, वन ऑफ द मोस्ट नोन कंपनीज, अलामो, एविस, बजट, हर्ट्स और सिक्स्थ, ये कुछ कंट्रीज हैं कंपनीज हैं जिनसे मैं गाड़ियाँ रेंट करता हूँ। एंटरप्राइज, नेशनल, एलमो, सारा एक ही ग्रुप है जहाँ तक मेरा ख्याल है, वन ऑफ माई फर्स्ट प्रेफरेंसेस। वैसे तो एक और कंपनी भी है टूरो, जो एयरबीएनबी की तरह होती है गाड़ियों की, जिसमें लोग अपनी गाड़ियाँ देते हैं, बट आजकल वही सेफ्टी के चक्कर में मैंने सोचा कंपनी से ही कर लें, इनकी सैनिटाइजेशन पॉलिसीज अच्छी हैं। तो जी गाड़ी एज यू सॉ मैंने डॉज की कैरावान ली है, वैसे तो थोड़ी महंगी एसयूवी भी मिल रही थी, बढ़िया बढ़िया, जैसे कि एक साथ में शेवी की पड़ी है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अभी थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च हो गए हैं तो इसीलिए भी मिनी वैन ही ले लेते हैं। मिनी वैन कैटेगरी है, और ओबियसली गाड़ी रेंट करते हुए सबसे पहले पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सारे के सारे जहाँ पे डेंट वेंट हों वो लॉक कर लेने चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, वो मैंने कर लिए हैं और अब बस इसको लेके जाने लगा हूँ। कीमत इसकी पे करी है मैंने $400 फॉर वन फुल वीक, ताकि वैसे तो मैंने 6 दिन के लिए करार था, बट उन्होंने कहा कि आपने वीकली एक्सपेंस पे किया है, तो मैंने कहा ठीक है यार, $4 एक्स्ट्रा डाल के मिल रहा था तो इसीलिए मैंने फिर फुल वीक ले ली। बाकी गाड़ी अच्छी खासी साफ़ सुथरी एकदम बढ़िया, मेरे ख्याल से ज़्यादा चली भी नहीं हुई, लगभग नई लग रही है, 36,000 किलोमीटर्स लिखा हुआ आ रहा है, 36,000 चली हुई है, बढ़िया, अपना फर्स्ट क्लास गाड़ी। अब कंफर्टेबल खुले डुले घूमेंगे क्योंकि हो सकता है हम आसपास के कुछ हिल स्टेशन वगैरह एक्सप्लोर करने जाएँ, मोटर होम छोड़ के शायद एक दिन के लिए बाहर निकल जाएँ, या मोटर होम भी ले जाएँ और इसको साथ ले जाएँ, तो साथ में गाड़ी के लिए जो है पूरी इसके अंदर जगह है, बैग्स वगैरह हो गए, 4 लोग खुले खुले जाएँगे, वो इनोवा वाली फील आएगी बेसिकली घूमने में, तो इसीलिए बस अब गाड़ी को लेकर निकलना है, उसके बाद जाना है माता जी के पास, उन्हें बिठाना है गाड़ी में और फिर थोड़ा सा यहाँ घूमते हुए आगे निकल जाना है एयरपोर्ट की तरफ प्रातःश्री को पिक करने के लिए। बाकी जी इंश्योरेंस वगैरह मैंने इसका अलग से लिया नहीं है क्योंकि जो मेरा अपना गाड़ी का इंश्योरेंस है जिसके साथ मोटर होम का इंश्योरेंस भी अटैच्ड है वो रेंटल गाड़ियों का इंश्योरेंस भी कवर करता है, इतने पैसे देने होते हैं यहाँ पे तो अच्छा ही है ना हो जाए, तो साल में अप टू 30-60 days डिपेंडिंग ऑन योर पैकेज रेंटल गाड़ी के इंश्योरेंस इंक्लूडेड होते हैं, और सेम रूल अप्लाई होगा कि अगर मैंने कहीं ठोक दी तो पहले $500 मेरे को देने पड़ेंगे, बाकी कंपनी पे करेगी, सो इसीलिए इंश्योरेंस वाली चीज़ भी सेटल। और जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की, उन्होंने काफ़ी कम लिया है, सिर्फ $200 सेफ्टी ली है, तो 408 के आसपास मेरा रेंट था
और $200 और सेफ्टी लेके उन्होंने 608 में दे दी है। जब गाड़ी रिटर्न करूँगा सही सलामत कंडीशन में हुई तो अपना जो है मेरे को मिल जाएगी फर्स्ट क्लास मेरी सेफ्टी वापस। बाकी जी गाड़ी मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही थोड़ी बढ़िया स्मूथ निकली है और सबसे बड़ा डिफरेंस फील हो रहा है ब्रेकिंग में, क्योंकि मोटर होम चलाता रहा हूँ इतने टाइम से तो उसकी तो ब्रेक बड़ी स्लो लगती है। इसमें जो है ब्रेक पे हल्का सा पैर डालो ज़बरदस्त सॉलिड ब्रेक है, तो थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा, बट गाड़ी एकदम अभी धीरे धीरे चला रहा हूँ और इसके बाद अब सीधा माता जी को पिक करना है और निकलना है आगे। मगर साफ सुथरी बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई नई गाड़ी ली हो, क्योंकि बड़ी चमका चमको के बढ़िया करके देते हैं ना, सो दैट्स ऑल्सो वन गुड थिंग। बट अब भाई को मिलने की और लाने की बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ी खुशी है इतने टाइम बाद फिर परिवार से मिलने की। ये माता जी व्लॉगर बनने की तैयारी है क्या? हाँ, तेरी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। ठीक है, गाड़ी बताओ पहले कैसी लगी? बढ़िया लग रही है, मस्त लग रही है। अंदर से कैसी है? अंदर से बहुत बढ़िया दिखाती है। हाँ जी, गाड़ी तो बड़ी मस्त है, है ना, बड़ी खुली डुली। शुक्र है इतने जमाने बाद साफ सुथरी गाड़ी। बस मम्मी को जब ताना मारने का मौका मिले मम्मी को ताना मारना सही होता है। और क्या, अपने धुलवा देंगे, उन्हें साफ क्यों नहीं कराते? अरे आप थोड़ा टाइम बदलने दो, हम साफ कराने धुलवाने वाले भी रख लेंगे, वो भी इंडिया में नहीं, यहाँ पे। अच्छा, $4,000 महीना देंगे। ज्यादा बड़ी बातें मत कर। अरे मम्मी, जिनके सपने बड़े नहीं होते वो वैसे ही फिर वो पाएंगे क्या? टारगेट तो बड़े रखने चाहिए ना जिंदगी में। तेरे सपने पूरे करे। अरे आपका आशीर्वाद मिल गया, हो ही जाएंगे गाय बगाए, बाकी आप लोगों का सपोर्ट। तो भाई मम्मी फुल इंस्ट्रक्शन दे रही है। अरे खुला नहीं क्या? जोर से खींचो, जोर से। आई शाबाश, मस्त है, खुली खुली है। आप थक जाओ तो पीछे पावन लंबे हो जाओ, है ना, तकिए आपके साथ रख लेंगे गाड़ी में, लंबी ट्रिप हुई तो सो जाना। माता जी तो बिल्कुल ही खाली है काम, बिल्कुल ही खाली पड़ा, कोई नजर ही नहीं आ रहा। कोरोना का असर है भाई, सही बात। पर कहते हैं वैंकूवर में तो सबसे कम केसेस हैं। हाँ, बट फ्लाइट आजकल कोई ले ही नहीं रहा, ऊपर से टाइम भी थोड़ा लेट का ही है। देखो कब आते हैं, 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं ब्रोज, उधर से आएंगे। लगता है पर जाइए पतला करके लाइए, वैसे पुल्स खड़ी है, फटाफट निकल लेते हैं। मम्मी की लिपस्टिक आ गई। लिपस्टिक फॉर वैंकूवर, क्या बात है। आप जरा ड्राइविंग सीट पे, मैं नहीं चला गाड़ी। अबे तो व्लॉगिंग कौन करेगा? गाड़ी चलाओ। सर चलो चलाएंगे ताकि हम व्लॉगिंग करें। बैठो बैठो बैठो, शाबाश, खींचो खींचो खींचो। रास्ता उधर जाना है, मैप में डालो। सानू किसे पता है, पहली बार आया तो पहले आया एक बार। और जाइए, आप कितनी बार आए हो पहले? मैंने एक बार हैं लगाऊंगा मैप पे मैं। तू भी फिलहाल वैंकूवर ही डाल दे, ये वैंकूवर ही है। अरे यहां वैंकूवर में दो दो हैं, पता नहीं एक वैंकूवर आइलैंड है, एक वैंकूवर अलग है, नॉर्थ अलग है, वेस्ट अलग है। नो
अरे आ गए मम्मी, जरा तिलक विलक करो। हो गया तिलक विलक। मम्मी कह रही है कोई तिलक तुलक नहीं है। वाह भाई वाह, अपना बैग लेके घुस गए। बताओ खाने में क्या है, भूख लग रही है। खाने में ये देखो अरेंजमेंट माता जी ने करके रखी है, ये लाइट जलानी पड़ेगी। ये बने हुए जो राजमा चावल एकदम बढ़िया स्पेशल। थोड़े नहीं है। आते हुए अभी बात ही यही हुई है, इसने पूछा कितने हैं, तो इसने कहा बेटा बहुत है, काफी है, राजमा चावल हो जाएंगे पूरे। मेरे को डाउट था क्योंकि हमारे ये बचपन का रिकॉर्ड है कि जब भी मम्मी कहती थी हम सुबह पूछते हैं ना, थोड़े से ही है ना। मैं कह रहा ना भाभी जी है, भाभी जी को मैंने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा कि जब हम नहाने जाते थे ना स्कूल के लिए, एक मिनट मम्मी, जब हम जाते थे भाभी जी स्कूल के लिए नहाने के लिए, मैं इनको बता रहा था आपको भी बता दूं, तो मैं उठ के पूछ रहा था मम्मी गीजर में पानी गर्म है, मम्मी कहती हाँ बहुत गर्म है, बहुत है पानी गर्म, और जाओ गर्म होता भी था, मगर जैसे ही बंदा साबुन लगा ले उसके बाद जब बंदा नहाने दोबारा पानी टूटी ऑन करना हमेशा ठंडी। क्यों ठीक है नहीं करा, ठीक है नहीं करा, ये हमारे बचपन का दुख है कि भैया पानी गर्म है, मगर और वो भी इतना गर्म होता था कि बस साबुन लगाने तक आएगा। माता जी जब तक खाना बना रही, मैं सोचा इनको जरा इनका कक्ष वगैरह दिखा दूं। सर ये तो बाथरूम ही है, ये आपको पता है, बस इसके अंदर ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, खुल जाएगा, यही गुजारा कर लो। फिट कैसे होगा इसमें? अरे आ जाएगा यार, 6 फुट तो है ही है, बाकी हाँ थोड़े कंधे वंधे बचते हैं इसमें क्योंकि ये उसकी तरह तो नहीं है ना, थोड़ा छोटा सा बाथरूम है, तो इसके अंदर आप जरा एडजस्ट कीजिए थोड़ा एक दिन। बाकी आपके लिए बेडरूम हमने सेट करना था मगर रह गया क्योंकि जल्दबाजी में आ गए हम। वैसे यहाँ पे इनके लिए भी ये फ्रेश बेडशीट भी करा धोती है, अभी इसको सेट करा देता हूँ, जगह फर्स्ट क्लास बढ़िया हो जाएगी क्योंकि भाई जोड़ा आया है, तो बेडरूम हमने इनको दे दिया है, माता जी और मैं ऐसे पड़ जाएंगे, माता जी के लिए फर्स्ट क्लास ये बन जाएगा, अपने लिए तो है ही यहाँ पे ऊपर बढ़िया निखिल वाला सेक्शन जो है। ठीक है सर, बाकी पानी गर्म आपको बता देता हूँ, चल रहा है फर्स्ट क्लास हीटर, तो इसलिए यहाँ से ये बिजली वाला है। और आप बस ये सामान बताओ जो मेरे को छेड़ने की जरूरत पड़ सकती है रात को, जो छेड़ने की जरूरत ना पड़े मत बताना, वो फिर टेम्परेचर कंट्रोल है, आगे देख लो क्योंकि जी यहाँ पे ये लगा हुआ पूरा प्रॉपर बढ़िया सिस्टम। ठीक है, अभी हमने इसको कर रखा है ऑफ, यहाँ से इसको ऑन कर दो, हीट पे करोगे तो एसी चल जाएगा, कूल पे करोगे सॉरी हीट पे करोगे हीटर चल जाएगा, कूल पे एसी चल जाएगा। ठीक है, शीट उड़ा रहा है। मम्मी जैसे दूध में मिलावट करते हैं, आपने पानी थोड़ी डाल दिया राजमा के अंदर, लग रहा है ना? अरे ये दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लग रहा चावल डाल दो मम्मी? नहीं नहीं वो लगा दो, लगा ले, मिलावट करी है ना मैंने राजमा का, मम्मी मिलावट करी है कि नहीं करी? क्या इतना सा पानी डाला? मैं नहीं डालने को सही लगा था, इतना सा पानी डाला, मैं कह रहा हूं राजमा कितनी पतली कर दी मम्मी ने। हाँ जी सर, फिर गुड नाइट। गुड नाइट, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। भाई हम 3 घंटे डिफरेंस से आए हैं, यस यस, हमारी हालत ज़्यादा ख़राब है। हाँ तो जहाँ पे आप थे वहाँ पे इस टाइम 2 बज गए होंगे सुबह के, या हाँ जी। फिर अब इनका थोड़ा मीटर शीटर डाउन ही है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होता, बस ये बता दो कि वो फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने घंटे की फ्लाइट थी? 5 घंटे की फ्लाइट है जी, इस देश के एक कोने से दूसरे घंटे कोने जाने में 5 घंटे लग जाते, जैसे दिल्ली में बंदा दुबई पहुंच जाता है 3 घंटे में, बट एनीवेज 5 घंटे आप आ गए, 3 घंटे का टाइम जोन में डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 11 बजे हैं तो वहाँ पे बज गए होंगे जी सुबह के 2, तो फिर आप थोड़ा आराम करें। मगर फ्लाइट में कैसी थी, कोविड वोविड वाली? कितने घंटे? तो सो जो इंडिया से आ रहे होंगे उनका क्या होता होगा, है ना, लंबे लंबे मास्क लगा के बैठो जी, मगर कोई बात नहीं, सेफ्टी इज पैरामाउंट। बाकी अब सबके सोने की तैयारी है, कल से हमने घूमना शुरू करना है वैंकूवर। ठीक है माता जी, फिर खुश हूँ है सब परिवार, माता जी की ये थी जब से कनाडा आ रही है कि मैं वैंकूवर जरूर जाना है, और इस बार पूरी फैमिली पहुंच गई वैंकूवर, साथ में देखेंगे। तो कल फिर डाउनटाउन से शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलो, वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड चैनल के सपोर्ट और हमारी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।